तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज से मैंने कुछ दिन पहले एक मूवी एक्सप्लेन की थी जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। तो इस वीडियो में मैं प्लेइंग विद डॉल्स मूवी के आगे के पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वो मास्कमैन किलर कौन है और क्यों वॉचर के इशारों पर काम कर रहा है और वो लड़के को मार रहा है। अब अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मास्कमैन और वॉचर कौन है। तो इस मूवी को ठीक से समझने के लिए मैं आपसे पहले ये कहूंगा कि इस वीडियो के पहले पार्ट का जरूर देख लें। उस वीडियो में मैंने प्लेइंग विद डॉल्स मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक खूबसूरत सी लड़की को एक गुफा के अंदर देखते हैं। ये गुफा वही थी जहाँ पर वॉचर रहा करता था। फिर वो लड़की वहाँ पर एक डॉल को लटका हुआ देखती है। उस डॉल में उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि नीचे देखो। फिर इस लड़की को जमीन पर नीचे पैसे पड़े हुए मिलते हैं। वो पैसों को उठाती है और उससे पैसों के पास ही एक नोट मिलता है। उस नोट में लिखा हुआ था कि क्या तुम इस गेम को आगे खेलना चाहती हो। अभी लड़की डॉल को लेकर आगे बढ़ती है। वो देखती है कि एक मास्क के टुकड़े में कुछ पैसे और रखे हुए हैं और उसमें भी एक नोट था। नोट में लिखा हुआ था कि नीचे एक ड्रेस पड़ी हुई है जिससे उसे पहनना था। फिर ये लड़की गुफा में ही अपने कपड़ों को उतारती है और अपने कपड़ों को उतार कर वो उस ड्रेस को पहन लेती है। यहाँ पर अगले सीन में हम मास्कमैन किलर को देखते हैं जिसे वॉचर के गुंडों ने जंजीरों से बांध रखा हुआ था। वो गुंडे कहते हैं कि उसे वॉचर की बातें माननी ही पड़ेगी, नहीं तो वो उन लड़कियों के साथ में नहीं खेल पाएगा। और वॉचर कैमरा में सारी चीजें देख रहा था। फिर वे गुंडे किलर को जंजीरों से आजाद करके वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पर इस लड़की ने उस खूबसूरत से ड्रेस को पहन लिया था। वो ड्रेस पहन के आगे बढ़ती है तो उसे फिर से नोटों की गड्डी टंगी हुई दिखाई देती है और उसके साथ में एक नोट भी टंगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि उसे गुफा के और नीचे जाना है। अभी लड़की डर तो रही थी लेकिन पैसों के लालच में वो आगे बढ़ती है। अगेन उसे पैसों की गड्डी मिलती है और इस बार नोट में लिखा हुआ था कि पीछे मत देखना। लेकिन ये लड़की जब पीछे देखती है तो अचानक से किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये सीन यहाँ पर कट होता है। यहाँ पर वॉचर के गुंडे किलर के आने का वेट कर रहे थे लेकिन वो उस लड़की को लेकर नहीं आता है तो वे खुद उसे देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी। जब गुंडे उसके पास में जाते हैं तो किलर उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगता है। फिर वो अपने हथियार से उन गुंडों को मार डालता है और उनसे बाहर जाने की चाबियां छीन लेता है। पहले वो खुद को आजाद करता है फिर वहां से भाग जाता है और वॉचर कैमरा में सब कुछ देखता रह जाता है। अब अगले सीन में हम किलर को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच बर्फ में कहीं पर जा रहा था, मतलब कि वो किलर अब वॉचर से आजाद हो चुका था। अगले सीन में हम एक लड़की मिया को देखते हैं जिसकी गाड़ी जंगल में खराब हो गई थी और एक आदमी उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था। मिया जंगल में बने हुए अपने बॉयफ्रेंड के केबिन में जा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे वहां पर प्रपोज करने वाला है। मिया की गाड़ी ठीक होने के बाद में वो अपने रास्ते निकल जाती है लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किलर उसे जाता हुआ देख रहा है और किलर उसके पीछे चल देता है। फिर अब हमें वो केबिन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉब नाम का एक आदमी था। तभी वहाँ पर सारा करी नाम की एक लेडी आती है जो कि टिमोथी करी की पत्नी थी और ये केबिन टिमोथी का ही था और बॉब उनका नौकर था। वो इस केबिन की देखरेख करता था। सारा का पति एक बहुत ही अमीर आदमी था और हर वीकेंड अपने इस केबिन में आया करता था लेकिन इस बार सारा अपने कुक एलिशिया को साथ में लेकर आई थी और अब सारा केबिन के अंदर जाती है। दरअसल सारा ने अपने पति टिमोथी को ये नहीं बताया था कि वो अपने इस केबिन पर आई है क्योंकि वो उसे एक सरप्राइज देना चाहती थी। फिर अब हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि केबिन तक आ जाती है। किलर भी उसके पीछे था लेकिन उसे इस बात का जरा भी पता नहीं था। फिर मिया केबिन के डोर पर नॉक करती है और पूछती है कि क्या ये टिमोथी का केबिन है। जब सारा केबिन के बाहर आती है तो सारा उसे बताती है कि वो उसकी पत्नी है। ये सुनकर मिया को शौक लगता है और सारा को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मिया अभी भी शॉक्ड में थी और बाहर जाकर अपनी कार में बैठती है। वो वापस जाने वाली थी लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। बॉब उसे केबिन के अंदर से देख रहा था और बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड थी और बॉब उसकी हेल्प करने के लिए बाहर जाता है। बॉब मिया को बताता है कि सारा टिमोथी की पत्नी है। मिया का ऐसा कहना था कि टिमोथी ने उससे शादी का वादा किया था। बॉब फिर सारा की कार को चेक करता है और दूर से किलर उसे देख रहा था। बॉब अब कुछ सामान लेने के लिए केबिन में जाता है और तभी चुपके से किलर वहां पर आ जाता है और कार के पार्ट को निकाल कर वो ले जाता है। बॉब जब वापस आकर कार को देखता है तो मिया को बताता है कि अब उसकी कार स्टार्ट नहीं हो सकती है और इसीलिए वो मिया को ठंड से बचने के लिए केबिन के अंदर ले आता है। लेकिन केबिन के अंदर सारा मिया के आने से नाराज थी। बॉब फिर अपने ट्रक से मदद लाने के लिए जाता है। वो गैरेज में पहुंचता है और देखता है कि ट्रक एक चेन से बंधा हुआ है। जब वो चेन के पीछे पीछे जाता है
तो अचानक से केलर उसके ऊपर आकर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि केलर ने बॉब को कांटों में लपेट कर रखा हुआ है और वो उसे रस्सियों से बांध देता है। फिर किलर अपने नुकीले हथियार से बॉब के पैरों के बीच में वार करके उसे डरा देता है। अब हम देखते हैं कि किलर उसकी पेंट को फाड़ता है और उसके पैर पर लगातार अपने हथियार से वार करता है, जिसके बाद में किलर एक चेनसो को लेकर आता है और बॉब के पैरों पर उसे चला देता है और बस बॉब के चीखने की आवाज आती है। अब इधर केबिन में सारा और मियां थे, दोनों एक दूसरे से नाराज थे, लेकिन बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी कि अगर मियां बाहर गई तो वो ठंड के मारे मर जाएगी। टिमोथी ने दोनों को चीट किया था, लेकिन फिर भी सारा मियां की मदद कर रही थी। मियां ठंड से जम रही थी तो कुक एलिशिया मियां को कंबल देती है और कुछ कपड़े भी देती है। मियां बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही थी, वो तभी किलर खिड़की से उसे चेंज करता हुआ देख रहा था। फिर एलिशिया सारा को बताती है कि उसके पति ने उसे भी चीट किया है, जिसके बाद में सारा थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। हम देखते हैं कि एलिशिया जब सारे रूम की लाइट ऑफ कर रही थी तो उसके सामने किलर था, जिसे वो देख नहीं पाती है और किलर उसके पीछे चल देता है। अब एलिशिया को एक रूम के अंदर जूते के निशान दिखाई देते हैं। जब वो निशानों के पीछे जाती है तो पीछे से किलर आकर एलिशिया को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में एक नुकीला हथियार घुसा देता है। सीन यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि आधी रात को मियां केबिन के दरवाजे पर बॉब का वेट कर रही थी। तभी उसे दिखता है कि कोई वहां पर आ रहा है। उसे लगता है कि बॉब होगा, लेकिन असल में ये बॉब नहीं बल्कि सारा का हस्बैंड और मियां का बॉयफ्रेंड टिमोथी था। सारा मियां को रूम में जाने को बोलती है और जब टिमोथी केबिन के अंदर आता है तो केबिन के अंदर सारा को देखकर शॉक्ड हो जाता है। सारा भी ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानती है। फिर वो बातों ही बातों में पूछती है कि टिमोथी ने अपनी वेडिंग रिंग क्यों निकाली है। टिमोथी उसे झूठ बोलता है और तब सारा उसे बताती है कि यहाँ पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए आई थी और उसका नाम भी टिमोथी ही था। टिमोथी अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा था और तब सारा उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है और मियां भी इसी केबिन के अंदर है। टिमोथी का झूठ अब पकड़ा गया था और यहाँ पर अंदर मियां भी बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। फिर इधर हम देखते हैं कि किलर एलिशिया की बॉडी के पास में बैठा हुआ है और नीचे केबिन में टिमोथी ये कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत ही कॉमन बात है, हर मर्द ऐसा ही करता है। फिर दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक किलर वहां पर आ जाता है, जिससे डर कर सारा एक कोने में छुप जाती है और वो किलर टिमोथी को एक पंच मारता है, जिससे कि टिमोथी वहीं पर बेहोश हो जाता है और सारा किलर से बचने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है। बाहर जंगल में बहुत ही ज्यादा ठंड थी और सारा का फोन भी काम नहीं कर रहा था, तो जैसे तैसे वहां से आगे बढ़ रही थी। फिर हम देखते हैं कि किलर टिमोथी को उठाकर कहीं पर ले जाता है। मिया अभी भी केबिन के रूम में ही थी, वो परेशान थी और तभी अचानक किलर पूरे केबिन की लाइट को बंद कर देता है। मिया को नहीं पता था कि किलर घर में घुस चुका है। फिर मिया को वहां से कार की चाबियां मिलती है और इसीलिए वो एक नोट छोड़कर वहां से निकलने वाली थी। वो जैसे ही बाहर जाती है तो देखते है कि सारा बर्फ पर पड़ी हुई ठंड से जम रही थी। सारा मिया को अपना जैकेट पहनाकर अपने साथ में वापस केबिन के अंदर ले आती है। सारा ठंड के मारे जम चुकी थी और उसे होश में लाने के लिए मिया बाथटब को गर्म पानी से भरने गई थी, लेकिन यहाँ पर किलर सारा के पास में आ चुका था। वो अपने हथियार को उसके चेहरे पर टच करता है, लेकिन सारा को होश में आने से पहले ही वो वहां से चला जाता है। फिर अब मियां सारा को लेकर बाथरूम में जाती है और किलर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मियां पसंद है। फिर मियां सारा को गर्म पानी में डाल देती है और जब मियां बाहर जाती है तो किलर उसके पीछे पड़ जाता है। किलर मियां को पकड़ लेता है और मियां के चिल्लाने की आवाज से सारा बाथटब से उठ जाती है और वो अपने रूम में जाकर पहले तो अपने कपड़े बदलती है और फिर अपनी सेफ्टी के लिए एक गन को वहां से उठा लेती है। मियां भी अब एक रूम में आकर बेड के नीचे छुप जाती है। किलर भी थोड़ी देर के बाद में उसी रूम में आ जाता है और वो बेड के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो धीरे से बेड के अंदर अपना हाथ डालता है और मियां को पकड़ लेता है। मियां की आवाज से सारा भी चौकन्नी हो गई थी। वो देखते है कि किलर मियां को पकड़कर ले जा रहा था और इसीलिए सारा उसे शूट करने वाली थी, लेकिन उसका निशाना चूकता है और गलती से गोली किलर की बजाय मियां को लग जाती है, जिससे कि मियां घायल हो जाती है और किलर सारा को एक पंच मारता है और इसी के साथ ये सीन यहाँ पर कट होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारा किलर के ठिकाने पर है, जहाँ पर इंसानों की बॉडी के कटे हुए हिस्से पड़े हुए थे। सारा को जब होश आता है तो वो उल्टी करती है और उसके मुंह से किसी का कटा हुआ अंगूठा निकलता है। फिर सारा अपने चारों ओर देखकर डर जाती है। वो देखती है कि उसके टॉप में किसी का कटा हुआ हाथ है। फिर सारा उस हाथ को अपने टॉप से निकालती है। वो देखते है कि वहाँ पर किलर कहीं नहीं है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से भाग जाती है। सारा अब जंगल के बीचों बीच बर्फ में यहाँ वो भाग रही थी। वो देखती है कि किलर किसी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है और अचानक किलर की नजर सारा पर पड़ जाती है और वो उसके पीछे भागने लगता है। सारा उससे ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती है
और किलर सारा को पकड़ लेता है। वो उसे खींचता हुआ अपने साथ में ले जा रहा था और सारा कुछ नहीं कर पाती है। फिर वो सारा को अपने ठिकाने पर लाकर उसके मुंह में किसी के इंटेस्टाइन को डालने की कोशिश करता है, लेकिन सारा उसे नहीं खाती है, तो इसीलिए वो किलर एक आंख को सारा के मुंह में जबरदस्ती डाल देता है, लेकिन सारा उल्टी करके उस आंख को अपने मुंह से निकाल देती है। अब किलर फिर से सारा को भागने का मौका देता है। किलर समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे जाने दे या पकड़ ले, तो इसलिए किलर फिर से सारा के पीछे भागता है। सारा फिर अचानक बर्फ के बीच एक गड्ढे में गिर जाती है और किलर भी उसके पीछे एक गड्ढे में गिर जाता है। सारा इसी मौके का फायदा उठाकर फिर से वहां से भाग जाती है। किलर सारा को फिर से पकड़ता है और वो उसके सर पर एक जोरदार वार करता है, जिससे कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि किलर ने सारा को एक पेड़ से बांध कर रखा हुआ है। सारा बेहोश थी और किलर सारा के चेहरे पर अपने हथियार से मारने वाला था, लेकिन अचानक से एक बेहोशी का इंजेक्शन किलर की बॉडी पर आकर लग जाता है। और हम देखते हैं कि कुछ आदमी अपनी गन को लेकर वहां पर आए हुए थे। ये लोग वॉचर के आदमी थे जो कि किलर को पकड़ने के लिए आए थे। वो सारा के भी कंधे पर एक गोली मारते हैं। अब वॉचर के आदमी सारा को मारकर सारे सबूत को मिटाना चाहते थे, लेकिन मिया वहां पर आकर उस गनमैन के ऊपर गोली चलाकर उसे मार डालती है। अब मूवी के एंड में मिया सारा को अपने साथ में कार में बिठाकर ले जा रही थी। वॉचर के आदमी उन दोनों को वहां से भागता हुआ देखते हैं। वो गनमैन उन दोनों के ऊपर गोली चलाने ही वाला था कि तभी वहां पर किलर आ जाता है और वो एक गनमैन की पूरी खोपड़ी एक ही वार में उड़ा देता है। और इसी के साथ में इस मूवी का थर्ड पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और दोस्तों, यहां से इस मूवी का चौथा पार्ट शुरू होता है। चौथे पार्ट की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। इस लड़की का नाम इस मूवी में रेचल बताया गया है। रेचल के हाथों में एक लंबी सी चेन बंधी हुई थी। रेचल को जब होश आता है तो देखते हैं कि वो जंगल में है और चारों तरफ आग लगी हुई है और उसके हाथों में एक चेन भी बंधी हुई थी। वो उस चेन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चेन उससे नहीं खुलती है। फिर जब वो उस चेन के सिरे को पकड़कर जब उसके दूसरे सिरे तक पहुंचती है तो देखती है कि दूसरी तरफ वो किलर चेन से बंधा हुआ था और वो बेहोश था। किलर के हाथों में चेन को खोलने वाली चाबी थी। रेचल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो जैसे तैसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और उस किलर से चाबियों को लेने जाती है। रेचल बड़ी चुपके से चाबियों को किलर के हाथों से निकालकर चेन को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर के मारे चाबी उसके हाथों से नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो उस चाबी को उठाती है तो वो देखती है कि वो किलर अपनी नींद से जाग चुका है। रेचल किलर से दूर भागती है, लेकिन किलर चेन को अपनी ओर खींच लेता है। किलर रेचल के पास में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी चेन का सिरा पेड़ में अटक जाता है। रेचल अभी भी चाबी से अपने चेन को खोलने की कोशिश कर रही थी और हम देखते हैं कि वो वॉचर अभी भी मॉनिटर में सब कुछ देख रहा है। तभी किलर अपनी चेन को छुड़ाकर रेचल को एक पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर किलर रेचल को अपने कंधे पर उठाकर आग से उसे दूर ले जाता है। किलर फिर उसे एक पेड़ के ऊपर लटाकर पहले तो उसके शर्ट को फाड़ देता है। जैसे ही वो उसके चेस्ट को देखता है तो किलर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किलर को इससे बहुत ही ज्यादा चिढ़ होती है। वो रेचल से दूर जाने लगता है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जंगल के एरिया में घुसने की कोशिश कर रहा था। वॉचर तुरंत अपने आदमी को फोन करके उसे वहां पर जाने से रोकने को कहता है। अभी यहां पर किलर आग में तप रही एक बड़ी सी कैंची को उठाता है और उसे रेचल के पास में लेकर आता है। अब क्योंकि किलर को लड़कियों के चेस्ट से चिल्लाती थी तो इसीलिए वो उस कैंची से रेचल के चेस्ट को काटने वाला था। वो जैसे ही रेचल के पास में आता है तो उसे पुलिस ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है और वो उसे देखने के लिए चल देता है। वो ऑफिसर अपने सीनियर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था कि तभी पीछे से किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसकी गन की आवाज से रेचल होश में आ जाती है और किलर उस ऑफिसर के मुंह में अपना हाथ डालकर उसके मुंह को फाड़ डालता है। इस मौके का फायदा उठाकर रेचल अपने हाथों की हथकड़ियां खोल लेती है और भागते भागते अपने शर्ट के बटन लगा रही थी। सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम उसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि FBI में था। वो ऑफिसर एक लड़की के ऊपर नजर रखे हुआ था। इस लड़की का नाम एलन था और वह कॉफी शॉप में जाती है। तभी वहां पर एक औरत आती है और वो औरत अपना नाम नहीं बताती है और वो एलन को अपने साथ में चलने को कहती है। फिर वो औरत एलन को अपने साथ में कार में बिठाकर कहीं पर ले जाती है। फिर वो ऑफिसर भी उनके पीछे अपनी कार से चल देता है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि दो और लोग बाइक से एलन और उस औरत का पीछा कर रहे थे। अब ये औरत जंगल के बीच में आकर अपनी कार को रोकती है। फिर वहां पर वही बाइक वाले दो लोग आते हैं जो कि एलन से उसका फोन और उसके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेने के लिए आए हुए थे। दरअसल एलन एक रिपोर्टर थी और वो FBI के मोस्ट वॉन्टेड क्रिमिनल का इंटरव्यू लेने जा रही थी ताकि वो इस क्रिमिनल की कहानी पूरी दुनिया के सामने ला सके और रेचल पूरी दुनिया की सबसे अच्छी रिपोर्टर बन सके।
यहाँ पर ऑफिसर भी उन दोनों को दूर से देख रहा था। फिर वो औरत अपने आदमियों को कॉल पर बोलती है कि वो रिपोर्टर को लेकर आ रही है और कोई भी वहाँ पर गोली न चलाए। यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि किलर एक रूम में है और वो एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है। वो लड़की जैसे तैसे अपने हाथों को खोलकर वहाँ से भागती है, लेकिन वो देखते हैं कि रूम का दरवाजा ताले से बंद है। वो पहले तो उस ताले को खोलती है, लेकिन वहाँ पर एक के बाद एक कई दरवाजे थे। वो लड़की जब उन दरवाजों को खोल रही थी तभी वहाँ पर किलर आ जाता है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। लड़की फिर किलर को मारने के लिए एक बड़ा सा हथौड़ा उठाती है और किलर भी उससे लड़ने के लिए अपने हथियार को गिरा देता है। वो लड़की की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उस लड़की से भारी भरकम हथौड़ा नहीं संभल पा रहा था, तो इसीलिए किलर उससे वो हथौड़ा छीन लेता है। वो उस लड़की का गला दबाता है और हथौड़े के एक ही वार से उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को चकनाचूर कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो औरत एक जगह पर आकर अपनी कार को रोकती है और एलन को उतार कर उसके मुंह पर एक कपड़ा बांधकर उसे फिर से कार में बिठा कर कहीं पर ले जाती है, ताकि एलन को पता न चले कि आखिरकार उसे कहां पर ले जाया जा रहा है। और इस पूरे नजारे को पुलिस ऑफिसर दूर से खड़ा हुआ देख रहा था। अब एलन को एक खुफिया जगह पर लाया जाता है और उसके चेहरे का कपड़ा हटाकर अब वो औरत उसे अपने कपड़े बदलने को कहती है। एलन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए वो औरत एलन को कहती है कि अगर उसे इस क्रिमिनल का इंटरव्यू लेना है तो उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। तो आखिर कौन था वो क्रिमिनल जिसका इंटरव्यू लेना एलन के लिए इतना ज्यादा जरूरी था, ये तो वीडियो में आगे आपको पता चली जाएगा। एलन अपने कपड़े बदलने के लिए राजी हो जाती है और बदले में वो लेडी से कैमरा मांगती है ताकि वो किलर के इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर सके। फिर एलन वहाँ पर रखे हुए कपड़ों में से एक ड्रेस चुनती है और वो देखती है कि वहाँ पर चारों तरफ कैमरा ही कैमरा लगे हुए थे, लेकिन एलन को एक स्टार रिपोर्टर बनना था, तो इसीलिए वो अपने पूरे कपड़े उतारती है। वो जैसे ही अपने कपड़े उतारती है तो पीछे से किलर का हाथ आता है, लेकिन एलन को इस बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब इधर ऑफिसर भी जंगल के अंदर भटक चुका था, उसे नहीं पता था कि एलन को कहाँ पर ले जाया गया है और अब उसके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। फिर अचानक से ऑफिसर के ऊपर वॉचर के लोग गोली चलाने लगते हैं और वो उनसे बचकर उनके ऊपर वार करता है। दोनों के बीच में गोलीबारी होती है और इसमें पुलिस ऑफिसर वॉचर के आदमी को घायल कर देता है। फिर ऑफिसर उस आदमी के पास में आकर उसे एक लड़की का फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने इस लड़की को कहीं देखा है। वो आदमी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो मारा जाता है। अब यहाँ पर हम एलन को एक खूबसूरत से ड्रेस में देखते हैं। ये क्रिमिनल और कोई नहीं बल्कि वॉचर ही था। वो एलन के पास में आकर उसे गलत तरीके से छूता है, लेकिन एलन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर एलन वॉचर का इंटरव्यू लेना शुरू करती है। वॉचर एक बहुत ही अमीर आदमी था और वो अपना पैसा ऐसी फिल्में बनाने में लगाता था जिसमें एक्ट्रेस को असली में मार दिया जाता है, लेकिन वॉचर का ऐसा मानना था कि लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं, वो कोई भी गलत काम नहीं करता है। फिर वॉचर एलन से कहता है कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहती हो, जिस पर एलन कहती है कि वो हमेशा खुश रहना चाहती है। वॉचर भी कहता है कि वो भी खुश रहने के लिए ये सब कुछ करता है। एलन अब आगे पूछती है कि वो लड़कियों को ऐसी फिल्म में काम करने के लिए राजी कैसे करता है, जिस पर वॉचर कहता है कि ज्यादातर लड़कियां सेलिब्रिटी बनना चाहती थी और उसने उन लड़कियों को उसी का लालच दिया। पैसों और शोहरत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। वॉचर हमेशा ऐसी लड़कियों को टारगेट करता था जिनके फादर और हस्बैंड नहीं हुआ करते थे। वॉचर फिर एलन से उसकी पर्सनल बातें पूछता है कि क्या उसके पिता जिंदा है, जिस पर वो कहती है कि उसके पिता नहीं है, और ऐसा बोलते समय एलन इमोशनल हो जाती है। और शायद एलन को भी अब ऐसा लग रहा था कि उसे यहाँ पर इसलिए लाया गया है कि उसके भी फादर और हस्बैंड नहीं है। एलन वॉचर से आगे पूछती है कि उसने आखिरी बार ऐसी मूवी कब बनाई थी, और वॉचर उसे बताता है कि अभी भी जंगल में कई लड़कियां हैं जिनके साथ में ये खेल खेला जा रहा है, मतलब कि ये मूवी हमेशा बनती रहती है। वॉचर आगे बताता है कि आज से 10 साल पहले वो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में था। उसके पास वाले सेल में उसे वो किलर मिला। वॉचर उस किलर को हैवॉक कहता है, और जब वॉचर जेल से बाहर आया तो उसने पैसे देकर हैवॉक को उस जेल से बाहर निकाल लिया, और अब हैवॉक वॉचर का गुलाम है। जिस प्रकार किसी आर्टिस्ट को पेंटिंग करने में मजा आता है, उसी प्रकार हैवॉक को लोगों को मारने में मजा आता है। हैवॉक ने वॉचर के पास से भागने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन अब वो उसकी बातें मानता है। और हैवॉक ही वॉचर की फिल्मों का स्टार है। हैवॉक की लड़कियों को मारता है और हैवॉक इतना ज्यादा खतरनाक है कि वॉचर भी उससे डरता है, और हमेशा एक गन को अपने पास में रखकर सोता है कि कब उसकी जरूरत पड़ जाए। एलन अब वॉचर की बातों से डरने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आई है, बल्कि उसे यहाँ पर लाया गया है। एलन वहाँ से जाना चाहती थी कि तभी वॉचर एक बटन दबाता है जिससे कि एक जहरीली गैस निकलती है और एलन वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन को एक पेड़ से बांधकर लटकाया गया है।
फिर वहाँ पर हैवोक आता है और उसके गर्दन पर अपना नुकीला हथियार रखता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि ऑफिसर उस औरत और उसके आदमी तक पहुँच जाता है। वो उनको भी एक फोटो दिखाकर उस लड़की के बारे में पूछ रहा था जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाई जाने वाली रेचल थी। गुंडे उसके ऊपर गोले चलाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही ऑफिसर उन्हें अपनी गोलियों से उड़ा देता है। गोलियों की आवाज हैवोक को आ जाती है, फिर वो एलन को जगा देता है और अब वो पास में बंधी हुई एक लड़की के पास में जाता है। पहले तो हैवोक अपना एक औजार उठाता है, फिर उससे वो उस लड़की की गर्दन में एक छेद करता है और लड़की के खून को एक मग में भरकर एलन के पास में ले आता है। हैवोक जबरदस्ती एलन को उस लड़की का खून पिला देता है। फिर हैवोक एलन की ड्रेस को अपने हाथों से फाड़कर उसे पूरी तरीके से नेकेड कर देता है। और अब हैवोक एलन को मारने वाला था कि तभी उसे फिर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो उन आवाजों के पीछे चल देता है। इस मौके का फायदा उठाकर एलन वहां से अपने हाथों को छुड़ाकर और अपने शरीर को अपने हाथों से ढककर वहां से भाग जाती है। एलन को जंगल में फिर एक लड़की का टॉप मिलता है जिसे वो पहन लेती है। फिर वो हैवोक की कुल्हाड़ी को अपनी सेफ्टी के लिए उठा लेती है और आगे चल देती है। अब इधर ऑफिसर अभी भी वॉचर के गुंडों से लड़ रहा था और वो औरत भी वहां से भाग रही थी। वो औरत भागती भागती जंगलों के बीच में आ जाती है और इधर एलन भी अपनी इस हालत के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। वो देखती है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है और उस औरत को अपनी कुल्हाड़ी से काट काट कर मार डालती है और एलन अपना पूरा गुस्सा उस औरत के ऊपर निकालती है। अब यहाँ पर ऑफिसर गुंडों को अपनी गोलियों से उड़ा देता है। फिर वो अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है और वो सामने एलन को अपने हाथों में कुल्हाड़ी लिए देखता है। वो एलन को कुल्हाड़ी को फेंक कर अपने दोनों हाथ ऊपर करने को कहता है, जिसके बाद में वो उसे बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। वो ऑफिसर रेचल का फोटो एलन को दिखाता है, लेकिन एलन को रेचल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एलन उसे बताती है कि वो यहाँ पर एक मर्डर का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, लेकिन वो खुद ही यहाँ पर फंस गई। एलन उसे हैवोक के बारे में बताती है और वो कहती है कि वो उसे यहाँ से बचाकर ले चले क्योंकि हैवोक कभी भी यहाँ पर आ सकता है। ऑफिसर यहाँ पर रेचल को ढूंढने आया था और वो यहाँ से वापस नहीं जा सकता था, तो इसीलिए वो एलन को अपने साथ में बाइक पर बैठाकर उसे जंगल से बाहर छोड़ने के लिए जाता है। दोनों फिर एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो एलन को छोड़कर वापस जाना चाहता था। असल में ये पुलिस ऑफिसर रेचल यानी कि अपनी बेटी को बचाने के लिए आया था। ऑफिसर एलन को अपनी कार लेकर वापस जाने को कहता है, लेकिन वो देखते हैं कि उसकी कार के पास वॉचर के आदमी थे और इसलिए फिर दोनों वहाँ पर रुककर उनके जाने का इंतजार करते हैं। यहाँ पर ऑफिसर एलन को बताता है कि उसकी बेटी रेचल एक एक्टर है, लेकिन वो उसे 10 साल से नहीं मिला क्योंकि उसका उसकी पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया था। फिर एक दिन उसकी एक्स वाइफ ने रेचल के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई और वो सबूतों का पीछा करते करते इस जंगल तक आ गया। तभी वॉचर के आदमी पुलिस कार के टायर को पंचर कर देते हैं और गुंडों का ध्यान भटकाने के लिए वो ऑफिसर उन पर गोलियां चलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल में एक और लड़की को हैवोक ने बांध कर रखा है और वो उसके पास में आकर उसे हड्डियों का एक मास्क पहनाता है। फिर वो उसे इंसानों की चमड़ी से बना हुआ एक कपड़ा उसके ऊपर डाल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑफिसर और एलन जंगल से भाग रहे थे और हैवोक की नज़र उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है और वो उन दोनों के पीछे चल देता है। यहाँ पर ऑफिसर वॉचर के गुंडों से भाग रहा था और वो एलन को एक पुरानी कार में छुपाकर गुंडों से लड़ने के लिए चल देता है। अब हैवोक भी एलन की कार तक पहुंच गया था और एलन अब बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। हैवोक उस कार के गेट को खोल रहा था, लेकिन एलन दूसरे दरवाजे से निकलकर वहां से भाग जाती है। फिर वो एक पाइप के अंदर जाकर छुप जाती है, लेकिन किलर वहां भी आ जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि ऑफिसर ने कई गुंडों को मार गिराया है, लेकिन गुंडे बहुत सारे थे और उसकी गोलियां भी अब खत्म होने वाली थी। फिर वो अपने एक ही शॉट से उस गुंडे को मार डालता है और उसकी गन को उठाकर वहां पर आ रहे कई सारे गुंडों को मारता चला जाता है। अब इधर हैवोक एलन के पीछे पड़ा था, वो उससे भागती भागती एक तालाब के अंदर चली जाती है और अब वहां पर हैवोक से बचने का कोई रास्ता नहीं था। हैवोक एलन को बाहर निकालकर उसके टॉप को ऊपर करता है और फिर वो अपने नुकीले जंग लगे हथियार को उसके पेट में घुसाकर उसके पेट को पहले तो चीरता है, फिर उसके अथड़ियों को निकाल देता है। अब सीन यहाँ से कट होता है और हम उसी लड़की को बंधा हुआ देखते हैं जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। फिर वो बेहोश हो जाती है और अब यहाँ पर ऑफिसर पूछता है, वो उस लड़की को जगाता है और लड़की ऑफिसर से मदद मांगती है। ऑफिसर अब उस लड़की से रेचल के बारे में पूछता है। वो लड़की बताती है कि रेचल को कुछ हफ्तों पहले यहाँ पर उसके साथ में लाया गया था। उन्हें यहाँ पर हर तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन रेचल को पता था कि उसके पिता यहाँ पर उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। फिर वो लड़की उसे रेचल तक पहुँचने का रास्ता बताती है और ऑफिसर उस लड़की को छोड़कर अपनी बेटी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पर रेचल को हैवोक ने बांध कर रखा हुआ था। फिर वो ऑफिसर को अपनी गन को नीचे रखने को कहता है और खुद भी अपना हथियार फेंक कर
उसे लड़ने के लिए आ जाता है। ऑफिसर और हैवॉक के बीच में भयानक लड़ाई होती है जिसमें दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से मारते हैं। फिर हैवॉक पुलिस ऑफिसर का गला दबाकर उसे मारने वाला था कि तभी ऑफिसर एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारता है जिससे कि हैवॉक जमीन पर गिर पड़ता है। और अब पुलिस ऑफिसर अपनी बेटी रेचल को जंजीरों से खोल देता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थे और रेचल कहती है कि उसे पता था कि वो उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे। यहाँ पर हैवॉक फिर से उठकर ऑफिसर के पास में आता है। ऑफिसर को पता था कि वो हैवॉक से नहीं बच पाएगा तो इसीलिए वो रेचल को आखिरी बार आई लव यू कहता है और उसे यहाँ से भागने को बोलता है। रेचल फिर वहाँ से भाग जाती है और ऑफिसर अब हैवॉक का सामना करता है ताकि रेचल को भागने का समय मिल जाए। फिर ऑफिसर हैवॉक को लेकर पहाड़ से कूद जाता है लेकिन हम देखते हैं कि हैवॉक वहाँ से वापस जिंदा आ जाता है और अब वो रेचल को मारने वाला था। वॉचर ये सारी चीज़ें अपने मॉनिटर में देख रहा था। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो रेचल को मार डाले। वॉचर के गुंडे रेचल को गोली से मारने वाले थे कि तभी हैवॉक अपने हथियार से गुंडे के सर के दो टुकड़े कर देता है और वो खुद रेचल के पीछे जाता है यानी कि रेचल अब उसका शिकार थी। और इसी के साथ में इस वीडियो और इस मूवी के चारों पार्ट यहीं पर खत्म होते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार वो किलर कौन था और वो क्यों लड़कियों को मार रहा था और वॉचर भी ऐसा क्यों कर रहा था। पूरी मूवी एक अमीर आदमी वॉचर के इस भयानक खेल के ऊपर है जो कि अपनी फैंटेसी को पूरा करने के लिए एक भयानक क्रिमिनल बन गया। खैर ये तो रही मूवी की बात लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ऐसा सिर्फ मूवी में ही नहीं होता है बल्कि असलियत में भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होती जरूर है। ये बात मैं अपने डार्क वेब वाले वीडियो में कर चुका हूँ तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। Thank you.